सुबह भी हमने इसका ही आगाज किया था कि आप लोगों को फिट रहना है और किस तरह रहना है, घर पर किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, उस हवाले से तो हमने शो के आगाज में बात कर ली थी। योगा के थ्रू भी हम फिट रह सकते हैं, खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो सुलाफे नकवी, आपको पता है, योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमें बताएंगे योगा फॉर नेक, शोल्डर एंड अपर बैक। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की टिप्स उनसे लेते हैं योगा की। जी सुलाफे, ओवर टू यू। आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर नेक, शोल्डर्स एंड अपर बैक। ये वो एरिया है जो ज़्यादातर स्पेशली हम अपनी नेक को भूल जाते हैं एक्सरसाइज करते हुए, बाद में जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है हम वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता और साथ ही साथ नेक की वजह से आपको स्पाइनल इश्यूज भी खुदा ना खास्ता आ सकते हैं। इसीलिए इसकी स्ट्रेंथनिंग, इसकी टोनिंग और साथ ही साथ आपके शोल्डर्स और आपके जो अपर बैक हैं उसकी टोनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर एक्सरसाइजेज में ये टारगेट हो तो रहा होता है लेकिन लोग इस पर एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं कि हमें बताओ कि स्पेसिफिकली इस एरिया की एक्सरसाइज किस तरह से की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को एक सजेशन देंगे जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा कि माई माइंड इज़ काम। आपने रिलैक्स रहते हुए इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करना है, अपने नींद का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपना पोस्चर, आपका सोते हुए बैठते हुए क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पोस्चर आपको स्लाउच में आकर एक तरह से, या हंच है बैक में, वो नहीं होना चाहिए। हम अक्सर स्लाउची पोजिशन में आ जाते हैं बात करते हुए उस तरह, उसका तरीका ये है कि सबसे पहले रोल योर शोल्डर्स बैक और उसके बाद आप बात करना शुरू करें, या उस तरह बैठें और अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। तो इस तरह से आप हेल्दी भी रहेंगे और आपको जो नेक से रेलेवेंट इशू आ रहा है, पेन हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, तो ये तब भी अगर आपको लग रहा है आप अंडर प्रेशर है, काम का प्रेशर है, आप रिलैक्स होना चाहते हैं, तो अगर आप इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करेंगे तो मेंटली भी आप रिलैक्स होना शुरू होंगे, तो फिजिकली भी आप अच्छा फील करेंगे, डेफिनेटली इमोशनली भी आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हम आ जाएंगे फ्लोर पर। फ्लोर पर आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, याद रहे कि हम बात करें नेक, शोल्डर्स एंड अपर बैक की, तो आपको क्या करना है, आप आएंगे सबसे पहले वज्रासन में, जैसे भी आप इजीली बैठ सकते हैं उसके अंदर आप उस तरह से आ गए उस पोजिशन में। आपने अपनी टिप्स का इस्तेमाल करना है, जो फिंगर टिप्स हैं, आपने आराम आराम से इस तरीके से पीछे जाना है और जहाँ तक आप रिलैक्स होकर इस पोजीशन में रह सकते हैं, नेक को थोड़ा सा पीछे करेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे को नहीं करना, वो पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपने रिलैक्स बस यहाँ पर रहना है और 5 ब्रेथ्स तक आपने होल्ड करना है। 5 ब्रेथ्स मीन्स इनहेल और आपकी जो एक्सहेलेशन है वो शामिल होगी, और उसके बाद आपने इस पोस्चर को रिलीज़ कर देना है और स्ट्रेट बैठ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की तरफ आपने मूव कर जाना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आपने अपने बाजू को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, इस तरह से लॉक किया, लॉक करने के बाद यहाँ नेक अपवर्ड्स रखने के बाद आपने इस पोजीशन को रिलीज़ कर देना। आप चाहें तो आप फॉरवर्ड बेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्सरसाइजेज ज़रा कुछ और होंगी। आपने क्या किया, नॉर्मल जो हम स्प्लिट करते हैं जिसे हम स्पाइनल स्प्लिट कहते हैं, आपने अपना एक हाथ अपने नी पर रखा और एक हाथ फ्लोर पर रखने की कोशिश की। अब यहाँ जिस तरह हम पहले टिप्स पर ही रहे थे, अभी भी हम टिप्स पर ही रहेंगे, और लेकिन केयरफुली आपने सामने देखा और सामने देखने के बाद अपनी नेक को थोड़ा सा अप एंड डाउन। ये पोजीशन आपकी नेक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो लोग जिसका पेन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या थके होते हैं और आपका दिल करता है कि आप अपनी नेक पकड़ के बैठ जाएं, कि किसी तरीके समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका सिस्टम पर बहुत काम है और आप बैठे एक तरफ बस एक पोस्चर में, आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी नेक बहुत ज़्यादा नीचे थी, फ़ोन यूज़ किया बहुत ज़्यादा नेक नीचे थी और उसके बाद पेन निकल आया। तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान ये होगा कि आपने स्पाइनल ट्विस्ट किया और नेक को अप एंड डाउन। इसके अलावा आप रोटेट भी कर सकते हैं, यानी रोटेशन सिंपल, अगर आप बिगेनर हैं तो आप हाफ रोटेशन से शुरू करेंगे, अदरवाइज कंप्लीट जो इसकी रोटेशन हम करते हैं आपने वो चीज़ की, और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट आपने इस तरह से परफॉर्म इसको करना है। हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ आपने उसको 10 से 15 दफ़ा आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, या 15 सेकंड तक इस चीज़ को आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा हम W ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से आपने अपने हाथों को सिंपल इस तरीके से ले आए, इनहेल किया, जैसे ही एक्सहेल करेंगे तो आप अपने यहाँ पर ड्रॉ करेंगे W, यानी कि आपने अपनी बैक पर थोड़ा सा स्ट्रेन लेकर आना है, स्ट्रेच उसमें चाहिए। इसलिए हम बात कर रहे हैं बैक की और शोल्डर्स की भी, साथ ही आपने यहाँ पर इसलिए इसको W ड्रॉ करना कहते हैं। आपने इसको 12 से 15 दफ़ा परफॉर्म किया और उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ जो है आपकी वो मूव कर जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, आपने अपने हाथों को इस तरीके से रखा, इसमें ये होगा
कि आप अपने वज्रासन में रहें या लेग्स को फोल्ड कर लें, जैसे भी आपके लिए आसान है। उसके अंदर होगा क्या कि आपने अपने हाथों को इस तरीके से रख के, ये बैक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पर जो बैक फैट है वो भी टारगेट होगा। और इस तरीके से आपने 12 से 15 की रेपिटेशन के साथ 2 से 3 सेट्स में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हम शोल्डर्स की चूँकि बात कर रहे हैं तो शोल्डर श्रग जब आप कर रहे होंगे तो आपने स्पीड के साथ यानी रैपिडली आपने जो अपनी ब्रीदिंग को उसके पैटर्न को आपने उस तरह रखना है, यानी आपने जैसे शोल्डर श्रग किया इनहेल करके, लेकिन शुरू में अगर आपने वार्म अप किया हुआ है तो आप इसको स्पीड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्लोली इसको परफॉर्म करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल। साथ ही आप सर्कुलर जो इसकी मोशन है, सर्कुलर मोशन में इसको बैकवर्ड्स और आप फॉरवर्ड इसको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा इंटेंस बनाना तो आपने इस तरीके से खुद को बिल्कुल आप सामने लेके फॉरवर्ड बेंड, अगर आप बिगेनर हैं तो आप अपना सामने कोई भी कुशन या कोई भी योगा ब्लॉक रख सकते हैं ताकि आप वहाँ पर अपना सर रख सकें, आपके लिए आसान हो जाए। वो लोग साथ साथ में बेली फैट भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आपका जो फैट है वो टारगेट होना शुरू हो जाता है, स्पेशली आपका विश्रल फैट यानी कि जो ऑर्गन्स पर भी आप समझ लें जम चुका होता है और हम कहते हैं उसको कैसे बर्न करना है, तो ये एक्सरसाइजेज उसमें भी आपको हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा जो आपके नॉर्मल जो आपके सर्कल्स होते हैं, या अगर आपको सर्कल मुश्किल लग रहे हैं कि मैं तो पहले ही टेंशन में हूँ और मेरे लिए मुश्किल है, तो आपने हाथों को रिलैक्स रखा, ज़्यादा आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको प्लेस नहीं करना, रिलैक्स रखते हुए बिल्कुल फ्रीली आपने इस तरह से एक दफ़ा समझ लें कि ये आपकी स्ट्रेचिंग है, आपने उस तरह से उसको परफॉर्म किया और उसके बाद नेक को साइड एंड साइड इस तरीके से एक चीज़ को स्विच करते हुए जाएंगे, आपको फील होगा कि जो एक स्ट्रेन था आपकी नेक में और पेन था आपको फील हो रहा था वो भी जाना शुरू हो जाएगा और टोनिंग भी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इनहेल एंड एक्सहेल पर बस ध्यान देंगे, अपने बैक को आप स्ट्रेट रखेंगे, वही बात नेक और बैक का बहुत ख्याल रखना है, आप उसको स्ट्रेट रखेंगे, इनहेल करते रहेंगे एंड एक्सहेल करते रहेंगे और सांस पर फोकस करेंगे। आई होप कि आपको हमारा ये योगा भी पसंद आया होगा जो आपकी नेक शोल्डर्स और अपर बैक के लिए था, उसकी टोनिंग के लिए भी था, और अगर आप बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं तब भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे और जागो लाहौर को आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा और मेरी तरफ से आपको हमेशा की तरह इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।